तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी से टकराव के मूड में फिलहाल नहीं है। केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं बल्कि मिलजुल कर कोरोना की चुनौती से मुकाबला करने का है। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1,00,000 केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। अभी माना जाए तो जितने बेड्स हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। मैं खुद निकलूंगा कल से परसों से, मैं खुद जमीन पे उतरूंगा, मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम लोग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में आंकड़े अब तेजी से बढ़ रहे हैं और जुलाई तक आंकड़ा 5,32,000 तक जा सकता है। लेकिन केजरीवाल ने यह भी कहा कि और बिस्तर का भी इंतजाम किया जाएगा, किसी को अस्पताल में भर्ती से नहीं रोका जाएगा। केजरीवाल के अंदाज से साफ है कि वो एलजी अनिल बैजल से जंग के पक्ष में फिलहाल नहीं है। मेनली मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर आई थॉट इट वॉज राइट एंड फॉर मी टू चेंज इट एंड मेक इट द फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल टू ऑल पीपल। केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया, ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पर कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पर कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा।